Go ahead with next topic, that is electric lines of forces. अभी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है और हमने ये क्यों डिफाइन किया वो समझने के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे के पास। फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो तुमको याद होना ही चाहिए। जो हो गया, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये क्या है, ये समझने के लिए लेट अस जस्ट वेरी क्विकली सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या था। तो अगर आपको याद होगा, हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो इन दोनों में कूलम्बिक फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R। तो पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेगा क्योंकि दूसरा चार्ज पहले के फील्ड में आ गया। तो जब भी एक चार्ज दूसरे के फील्ड में आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे Q2 पहले के फील्ड में है तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? Q2। फोर्स लगा कौन रहा है? Q1, राइट। तो मुझे अगर Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो हमने सिर्फ इतना किया था कि जो Q2 चार्ज है उसकी वैल्यू कर दिया था 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम का चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने का कंडीशन क्या था? तो सेकेंड चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी चाहिए? 1 कूलम। तो सिर्फ Q2 की वैल्यू 1 कर दी हमने और इसी फोर्स को बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने आपको बताया था कि मान लो कि आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइडों क्या करते हैं, डिवाइड बाय Q2 कर लेते हैं। ये Q2 Q2 कैंसिल हो गया तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज फोर्स अपॉन सेकेंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज इज फोर्स अपॉन फोर्स चार्ज, बट इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। और मैंने आपको यह भी बताया था क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है? पहला चार्ज। दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब from 1 to 2। तो अगर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स डायरेक्शन क्या है? अवे। और जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वो डायरेक्शन फील्ड का होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? अवे। और नेगेटिव का? टूवर्ड्स। बराबर। अब इतना पता है तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है समझ लेंगे। तो माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसको लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझने के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस से रिप्रेजेंट करूं तो बेटर होगा। तो माइकल फैराडे फाउंड इट कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्सेस विथ लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, और उसको बोला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। रिमेम्बर, तो टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ ईजियर वे, माइकल फैराडे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, उसको बोलते तुम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। बराबर, करेक्ट। अभी एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है वो समझ के लिए एक काम करता है, हमारे पास एक चार्ज है सम चार्ज लेट अस से +Q, और मेरे पास एक दूसरा चार्ज है ये भी प्लस चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये +Q है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है वो समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q, जो चार्ज है ना पॉजिटिव Q, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, राइट। तो इफ यू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज नियर टू सम चार्ज तो दिस चार्ज विल रिपेल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब रिपल्शन की वजह से क्या होता है? यू सी, पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख ही देता हूं, इफ
यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर अनदर चार्ज प्लस क्यू, इट विल एक्सपीरियंस तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, बराबर। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो फोर्स होता है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब ये जो फोर्स है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, है ना। और हर एक जगह पे इसका डायरेक्शन भी अलग है। ये जो फोर्स है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। राइट। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज के प्रेजेंस में रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो मूव होने लगेगा, क्योंकि ये क्या करने वाला है? रिपेल करेगा तो क्या होगा? मूव होगा। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस लाइन के अलावा मूव होता है उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो तुमने क्या किया इन शॉर्ट, तुमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, एक चार्ज लिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? मूव होने लगेगा। तो जिस लाइन के अलावा वो मूव होता है उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, क्लियर। तो द लाइन अलोंग विच, द लाइन अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हमारे पास एक चार्ज था प्लस क्यू, हमने उसके पास में एक चार्ज लाया प्लस वन कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये भी प्लस वो भी प्लस, क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा, इसकी वजह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव होने लगेगा। तो वो जिस लाइन के अलॉन्ग मूव होगा उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, क्लियर। हाँ, अभी हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे करेंगे लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना था हमको। तो द लाइन अलॉन्ग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, वैसा है, हमारे पास ये चार्ज था यूनिट पॉजिटिव, हमारे पास ये चार्ज था सोर्स चार्ज, बराबर। अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो पहले पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत पास में था, तो ये रिपल होते 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 ऐसा गया, तो ये पाथ उसने फॉलो किया। सही है। तो ये कर्व बन गया, कर्व बन गया ना। अब ये कर्व हमको क्या बताता है? अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, इसलिए मैंने वहां से स्टार्ट किया, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो मैंने स्टार्ट ही यहां से। तो इमेजिन, मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, इसको मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा। सपोज मुझे इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो टेंजेंट क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मुझे यहाँ पर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मुझे यहाँ निकालना है तो क्या करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। राइट। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे अगर मैं कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो इट इज गिविंग मी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो वहां पे स्टेटमेंट में लिखा है, अगर पढ़ोगे ना, द लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अ कर्व सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दिस कर्व गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। तो लाइन ऑफ फोर्स
लाइन ऑफ फोर्स इज अ कर्व, लाइन ऑफ फोर्स इज अ कर्व, इज अ कर्व सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व क्या बताइए, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सिंपल भाषा में अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स समझना है तो कुछ नहीं है, एक चार्ज का पॉजिटिव, उसके पास में पचपन कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, रिपल हो रहा है तो रिपल्शन की वजह से वो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है, तो जिस लाइन के अलोंग जाएगा उसको बोल दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ कर्व सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होते हैं ना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, 7 से 8, वहां पे 8 लिखे हैं मैंने, लेकिन 7 प्रॉपर्टीज तुमको पता होनी चाहिए, 7 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, 8वां तुमने छोड़ दिया तो भी चलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है हमको बहुत काम में आएगा अभी और 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लेट अस लुक एट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। और एक चीज याद रखना, हम लोग फिलहाल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ऐसा ही एक टॉपिक तुमको 12th में आएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो जो प्रॉपर्टी तुम यहाँ देखने वाले हो लगभग सबके सब प्रॉपर्टीज सेम आएंगे मैग्नेटिक लाइंस में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये प्रॉपर्टीज पता होंगे तो बाय डिफॉल्ट वो पता होगा। तो अब चलो एक काम करते हैं ना, प्रॉपर्टीज समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, तो आई हैव चार्ज प्लस क्यू एंड आई हैव चार्ज माइनस क्यू, और मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात बताओ, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, रिपेल, यूनिट पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, रिपेल बराबर। और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से जाएगा वो नेगेटिव। ये पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ, देखो क्या बोला है, हाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड दैट नेगेटिव चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है आपको, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुना है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड दैट नेगेटिव, इसके लिए होता है बराबर, राइट। अब इमेजिन करो, इमेजिन जब ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था तो पॉजिटिव चार्ज ने रिपेल किया, नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, तो वो ऐसा गया। सपोज यहाँ की जगह पे यहाँ से स्टार्ट किया होता तो क्या होता, तो फिर ऐसा जाता कहीं और रखता, तो ऐसा जाता कहीं और रखता, तो फिर ये ऐसा जाता, लेकिन काट साट के मतलब इफेक्टिवली स्पीकिंग अगर आप देख रहे हो ऐसा। वैसे बाय द वे मैं पूरा पिक्चर ड्रॉ ही कर देता हूँ क्योंकि काम में तो आने ही वाला है, तो मैं पूरा ही पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, हमको लगने वाला है वो वापस।
तो होगा क्या ऐसा ऐसा चलता रहेगा, वो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड जैक नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड जैक नेगेटिव, ये चलता रहेगा। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है राइट हैंड ड्रॉप, क्योंकि एक गलती तो फिजिक्स चेंज हो जाता है वहां पे, इसलिए वो गलती कर नहीं सकते। चलो ठीक है, फाइन, तो ये कंप्लीट पिक्चर है। ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे स्टार्ट हुए, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंड हो गए। तो याद रखना, इधर एरो हेड टुवर्ड्स है और इधर एरो हेड अवे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख रहे हो तो मैंने कहीं पे भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट होते हुए दिखाया है क्या? नहीं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है टू लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्या दिखा है? हाँ, लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर इंटरसेक्ट, और वो इधर और नहीं है, वो निधर नॉर है, वो निधर नॉर है। तो दो लाइंस ऑफ फोर्सेस ना तो इंटरसेक्ट करेंगे ना ही मीट करेंगे। सो लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस फोर्सेस नेदर इंटरसेक्ट, नेदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर, नॉर मीट ईच अदर। ऐसा क्यों? ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इंटरसेक्ट नहीं करते, वो मीट नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, तो रीजन क्या है? सपोज करते, सपोज कर लेते तो ये इलेक्ट्रिक लाइन और ये इलेक्ट्रिक लाइन। आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिफाइन कैसे किया था? आपने बोला था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ कर्व एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द टेंजेंट गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखा ना आपने? लिखा कि नहीं? द लाइन ऑफ फोर्स इज अ कर्व सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट करते, सपोज पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो मैं कैसे निकालू? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? फ्रॉम द टेंजेंट, है ना? तो अगर इंटरसेक्ट करते तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता, तो दो टेंजेंट आते कि नहीं आते? हाँ। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस, ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन था क्या? क्या था इलेक्ट्रिक लाइन? इलेक्ट्रिक लाइन था जिस पाथ के अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव होगा, उस पाथ को तुमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन मतलब बेसिकली। तो अगर मेरे पास मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट दो डायरेक्शन में है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक ही टाइम पे यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, हो सकता है क्या ऐसा? हाँ, नहीं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट इच अदर सिंस इट वुड मीन, सिंस इट वुड मीन, क्या होता है इसका मतलब, क्या निकलता? इट वुड मीन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन एट दिस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिखाया ना उसमें प्रॉपर्टी में? देखो क्या दिखा प्रॉपर्टी में, द लाइंस ऑफ फोर्स नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट इच अदर एज इट विल मीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इट वुड मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लाइन्स ऑफ फोर्स विल नेवर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थ्री, अगर आपने ये डायग्राम को, सपोज मैंने आपको ये डायग्राम को अच्छे से जूम करके दिखाया होता,
तो डू यू सी क्या है? परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंडक्टर से जब स्टार्ट होते हैं तो वो नॉर्मली स्टार्ट होते हैं, मतलब परपेंडिकुलरली स्टार्ट होते हैं, और एक कंडक्टर पे अगर एंड होते हैं तो क्या होते हैं? नॉर्मली एंड होते हैं, मतलब परपेंडिकुलरली एंड होते हैं। ओके देखो, तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है? क्या बोला तीसरा प्रॉपर्टी? लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है? द लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव, मतलब स्टार्ट और एंड, और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। द लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव और एंड अ कंडक्टर नॉर्मली। प्रॉपर्टी नंबर फोर, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने वो उन्हें से बोला करेक्शन करना पड़ता है, अगर आपको याद होगा मैंने एक लाइन अंदर दिखा दिया था, रफ किया, क्यों किया? प्रॉपर्टी नंबर चार पढ़ो। द लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर पास थ्रू कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट हो सकते हैं, कंडक्टर की सरफेस पे एंड हो सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते, और जहां पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। लिखा है वैसा देखो। हाँ तो क्या लिखा है, क्या बोला है? द लाइन्स ऑफ फोर्सेस, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू, डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर इज जीरो, इन साइड अ कंडक्टर इज जीरो। क्वेश्चन आया था सीईटी में, शायद शायद नहीं, एक में, दोनों में से एक में, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत कुछ लिखा था, और आखिर में पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर। और अगर तुमको बेसिक पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो सॉल्व करना ही नहीं है उनको। तो कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज जीरो। ओके देन, उसके बाद अभी अगर आपको याद है हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स से डिफाइन होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और जैसे कि दो चार्जेस में डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होता है, वैसे ही एक चार्ज से डिफरेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है। सपोज मेरे पास पॉइंट है पी, पॉइंट है क्यू, पॉइंट है आर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे होगा? पी, फिर क्यू और फिर आर। अब ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है वो देखना पड़ेगा। डिस्टेंस पे तो करता है सही है, लेकिन लेकिन रियलिटी में किस पे डिपेंड करता है वो देखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एरिया लेते हैं, एक एरिया ले लिया, तो हम लोग एक एरिया ले लिया, ये अच्छे से समझ लेना, ये एरिया जो है ये मैंने एक जगह पर रख दिया, और इस गिवन एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, परपेंडिकुलर पास होना मतलब नॉर्मली पास, तो कितने पास हो रहा है? दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दो है, राइट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्या लिखा हुआ है ग्राफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक एरिया है, उस एरिया में से कितने फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अभी कितना है? वन। वन अभी कितना है? थ्री। वेरी गुड, तो ये पांचवा प्रॉपर्टी बन गया। तो जितने ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू किसका प्रपोर्शनल है, टू नंबर ऑफ लाइंस, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऑफ कोर्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, कोऑर्डिनेट एरिया टू सरफेस, टू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू, ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर। और सिक्स और सेवन नंबर प्रॉपर्टी इसी के साथ रिलेटेड है और मैंने आपको बता ही दिया। जहां पे एक बात बताओ, चलो ध्यान ध्यान दो, ऑफिस वेरी सिंपल थिंग। मैं एक एरिया लेता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ और थोड़ा सा लाइंस ज्यादा ड्रॉ करता हूँ, अब थोड़ा सा लाइंस ज्यादा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब बात बताओ, दो पॉइंट्स है ए और बी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पे कम है, ऐसा क्यों? ए पॉइंट पे गिवन एरिया में से ज्यादा लाइंस पास हो रहे हैं और बी पे कम, मतलब ए पॉइंट पे लाइंस का क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग मतलब कम स्पेस में ज्यादा लाइंस है और बी पे वाइडली सेपरेट है ना, बराबर। तो अगर पॉइंट नंबर सिक्स पढ़ोगे तो क्या बोला जाएगा, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड इन रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्ज, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वहां से तो ज्यादा लाइंस पास हो रहे हैं, तो वहां पे लाइंस क्या है, क्राउडेड है, ऐसे ही होगा ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाइडली सेपरेटेड इन अ रीजन वेयर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्मॉल। हो गया 6 और 7 पॉइंट, ठीक, तो वो मैं भी लिखूंगा नहीं, अभी आपको समझ में आ गया। 8 नंबर का पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, वो आगे आने वाला है वापस से, अब क्लियर। तो अब ये थे आपके बेसिक प्रॉपर्टीज, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सिर्फ एक बार देख लेते कि याद है कि नहीं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर सिंस इट विल मीन दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मीट हो जाते या इंटरसेक्ट हो जाते तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होते। नंबर 3, लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव और एंड एट अ कंडक्टर नॉर्मली। नंबर 4, लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। नंबर 5, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। नंबर 6, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड इन रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्मॉल। गुड, अब टोटल 3 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, तो लेट अस सी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एक को आप बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक को आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक को आप बोलते हो रेडियो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इजी है, बहुत इजी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज इमेजिन मेरे पास यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है,
और अगर मैं ये चारों पॉइंट्स में ABCD पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेजर करता हूँ और सेम मिलता है, और डायरेक्शन चेक करता हूँ तो वो भी सेम मिलता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड आप दिखाते हो विद द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, जितना सेगमेंट का लेंथ बड़ा उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा। सपोज मुझे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना है तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वन। और ये जो एरो हेड है वो क्या बताता है हमको, डायरेक्शन। अब इमेजिन हमने चार पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया और हमको चारों ही पॉइंट्स पे वैल्यू और डायरेक्शन सेम मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर पैरेलल वेक्टर्स है और चारों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन सेम है। तो इस रीजन में, इस पूरे रीजन में कहीं पे भी मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेजर करता हूँ या डायरेक्शन चेक करता हूँ तो क्या आता है, सेम। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब तुमको पता ही होगा ना, स्कूल में क्या पहनते थे हम लोग, यूनिफॉर्म। यस, यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे हम लोग, ड्रेस पहनते थे जो सबका सेम था, तो वो था यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। यूनिफॉर्म मतलब सेम एवरीवेयर, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते थे तुम, राइट। तो यूनिफॉर्म का मतलब था सेम एवरीवेयर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब व्हेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, देखो नोट में क्या बोला है, व्हेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ओके, तो सिंपल है, व्हेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आगे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, हाँ, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इन द रीजन, ऐसे बोल सकते हो, इन द रीजन, देन इट इज कॉल्ड एज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। तो मैं अभी लिखूंगा नहीं यहाँ, तो आपको तो फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, या तो डायरेक्शन सेम नहीं होगा या तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, या तो दोनों ही सेम नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, या फिर डायरेक्शन सेम नहीं है, या फिर दोनों ही सेम नहीं है। तो व्हेन मैग्नीट्यूड एंड नहीं बोल सकते हो, मैंने वही बोला, व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर डिफरेंट, या तो मैग्नीट्यूड अलग है या डायरेक्शन अलग है या दोनों ही अलग है, आर डिफरेंट एट ऑल द पॉइंट्स एट ऑल द पॉइंट्स देन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, हाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वो फुल आपका नोट्स में है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। गड़बड़ नहीं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, अभी दो तीन तरीके हैं। अगर सपोज
मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो फिर हम उस केस में जितने भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे उन सबका लेंथ सेम दिखाएंगे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग दिखाएंगे, तो ऐसा दिखा सकते हो। या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो उस केस में तुम ऐसा शो कर सकते हो। तो यू कैन सी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, या फिर अगर दोनों ही अलग है तो दोनों अलग है तो फिर कोई वेक्टर बड़े मैग्नीट्यूड का, कोई छोटे मैग्नीट्यूड का, कोई कहाँ कोई कहाँ, ऐसा। बराबर, गुड। फिर लास्ट आ गया रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ध्यान दो, बड़ बड़ बंद करो, बड़ बड़ बंद करोगे तो जल्दी खत्म कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे। अवे इस डायरेक्शन में भी अवे, यहाँ पे भी अवे, यहाँ भी अवे, यहाँ भी अवे। तो बड़बड़ बंद करो कितनी बार बोलना चाहिए, एक ही चीज कितनी बार बोलनी चाहिए आपको? सब रिकॉर्डिंग में जाता है, अच्छा लगता है क्या? किसी और ने देख लिया तो बोलेंगे कैसे स्टूडेंट है या तो कैसा टीचर है, दोनों में से एक। एनीवेज, अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है, अवे, लेफ्ट में भी अवे, राइट में भी अवे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो जब आपको पता है इसको रेडियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये सर्कल बना लेता मैं तो ये रेडियस जैसा दिखता ना, इसलिए क्या बोलते हैं रेडियल। तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो टाइप आते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, इसके लिए ऑलवेज अवे, तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? रेडियली आउटवर्ड्स। इमेजिन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? क्या होता नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? सेम होता, सिर्फ डायरेक्शन होता उल्टा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होता? इनवर्ड्स। तो नेगेटिव, अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है नेगेटिव, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड्स। तो ये भी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रेडियली आउटवर्ड्स है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का है, वो रेडियली इनवर्ड्स है क्योंकि नेगेटिव चार्ज का है। क्लियर यहां तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर। तो अगला टॉपिक अभी हम लोग कल करेंगे।